हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइस, न्यू नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 हमारे पास आई है 31 मार्च 2023 को। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये। इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या कहा हुआ है ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपका कैंसिल कर दिया गया था बिफोर 31 दिसंबर 2022, यानी कि 31 दिसंबर 2022 से पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया था, किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 क्लोज बी और सी, ठीक है। सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 का जो क्लोज बी है और क्लोज सी है, उसके तहत अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है तो अभी भी आप उसको रेवोकेशन की रिक्वेस्ट को फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, वैसे तो हमें जो रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट है, जो टाइम पीरियड हमारे पास सेक्शन 30 में दिया हुआ है, वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन फिर भी इस नोटिफिकेशन के तहत हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं। कब तक? 30 जून 2023 तक। मेरी बात समझ में आई? अब देखिए, हम देख लेते हैं कि सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 कहता क्या है। देखिए, सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 की अगर हम बात करें, ये सेक्शन 29 मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी हमारे पास क्या कहता है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं अंडर सेक्शन 10 और अगर आपने जो रिटर्न है रिटर्न फाइल नहीं की 3 मंथ्स से ज्यादा की, यानी कि आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं और आपने 3 महीने से ज्यादा की रिटर्न फाइल नहीं की है, और अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर है, क्लॉज सी की मैं बात करूंगी, रेगुलर टैक्स पेयर अगर है और आपने कॉन्टिन्यूस जो टैक्स पीरियड है उसके आपने रिटर्न फाइल नहीं की है फॉर कॉन्टिन्यूस टैक्स पीरियड्स की, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाता है? कैंसिल कर दिया जाता है। तो अगर इस केस में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो फिलहाल आपके पास वैसे तो रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की जो डेट है वो आपके पास फिनिश हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 30th डे ऑफ जून 2023 तक आप रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। ये जो फाइल है, इसको फाइल करने से पहले रेवोकेशन की रिक्वेस्ट को आप सबसे पहले अपने रिटर्न्स फाइल करेंगे। रिटर्न्स जो फाइल, जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स है वो फाइल करनी जरूरी है। उसे फाइल करने के बाद जितना आपका टैक्स बनता है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, लेट फीस है, वो आपको फाइल कर देना है, तभी आप रेवोकेशन की रिक्वेस्ट को फाइल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए, साफ साफ लिखा है कोई भी फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड नहीं दिया जाएगा रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, इन सभी केसेस के लिए, ठीक है। तो यानी कि एक बहुत सुनहरा मौका आप लोगों के पास है। अगर कोई भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था 31 दिसंबर 2022 से पहले, तो अभी भी आप उसके लिए रेवोकेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इस ऑप्शन को जरूर 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 अवेल कर लेना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय।